राम राम जी। तो भाई नया दिन, नई शुरुआत, नए व्लॉग के साथ। आज क्या क्या धमाल करने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, दिखाएंगे आपको। बने रहो साथ में। और अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, तो मैं अभी बस सो के उठा हूँ और अभी नहा के निकला हूँ जस्ट, क्योंकि नींद का शेड्यूल ऐसा हौच पौच हो रखा है यूके जाके कि यूके टाइम पर नींद आती है, यूके टाइम पर ही आँख खुलती है। भाई समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि 1 महीने 1.5 महीने यूके रहा हूँ तो उसके अनुसार ही टाइम सारा चेंज हो गया है। अभी ये धीरे धीरे टाइम चेंज होगा। मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया जाते जाते टाइम चेंज हो जाए, बस थोड़ा सा शेड्यूल ठीक बन जाए सोने का और उठने का। तो अभी चल रहे हैं भाई, अभी तो कह रहा हूँ एक मीटिंग है मई क्लाइंट के पास, जहाँ मेरा काम चलता है वहाँ जा रहा हूँ पहले वो काम देखने के लिए कि क्या क्या आज उन्होंने क्या नया अचीवमेंट किया, और आपके लिए देखने के लिए कुछ चीज़ें दिखाऊँगा नई, बिल्कुल नई दुबई में क्या नया। अभी आ गए हैं दुबई मॉल, और दुबई मॉल भाई इतना बड़ा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं मेट्रो से आ तो गया यहाँ, और ये बुर्ज खलीफा की भी एंट्री यहीं से थी, तो अभी मैं ये चेक कर रहा हूँ कि बुर्ज खलीफा किस तरफ से जाऊँ। मैंने 2-3 बार उस पर डाल के देख लिया, शायद यहाँ से बुर्ज खलीफा की एंट्री है, पर यहाँ एक्वेरियम दिखा रहा है, ये एक्वेरियम है शायद यहाँ पर, तो एट द टॉप बुर्ज खलीफा LG, हाँ यहाँ से जाना है। ये है भाई लिफ्ट एट द टॉप बुर्ज खलीफा, तो यहाँ से लिफ्ट ले लेते हैं LG के लिए और फिर चलते हैं दुबई फाउंटेन। LG पे है रेस्टोरेंट, फूड कॉर्नर, सुपर मार्केट। ओके, तो सेकंड पे है ये, मैं सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड पे है वो मेट्रो, और मेट्रो से आप नीचे जाने के लिए ये लिफ्ट यूज़ कर लेता हूँ, बेस्ट है। तो चलते हैं अभी वहाँ बाहर। और भाई दुबई मॉल तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, यहाँ दुनिया भर के शोरूम्स हैं, सारे ब्रांड हैं, कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो यहाँ ब्रांड ना हो, पर वही है शॉपिंग करने वालों के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कितनी शॉपिंग करनी हो तो आ जाओ, ये पैसे खर्च करने हो। हाँ तो गए हैं सेंटर में, अभी ढूंढते हैं कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। भाई तगड़ी भीड़ है, तगड़ी। वाटर फाउंटेन इधर है शायद, हाँ इधर ही है। भाई बहुत तगड़ी भीड़ है दुबई मॉल में, मुझे लगता है कि सारी दुबई आ जाती है क्या, इतनी भीड़ है भाई। ऐसे ऐसे दुबई मॉल करने जा रहे हैं भैया, अभी वाटर फाउंटेन चल रहे हैं वो देखने के लिए कि क्या है। मैंने तो बहुत बार देखा हुआ है वो, पर ठीक है, मतलब अगर तुम दुबई आए और फिर वो नहीं देखा तो फ़ायदा क्या है। तो इसी सोच के मैंने कि चलो वहाँ चलते हैं। जबरदस्त रश भाई, निकलने को जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, टू मच रश। बस लोग 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 देखते रहो और कुछ भी नहीं है, लोगों के अलावा कुछ भी नहीं है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। हाँ तो वे बाहर वहीं आ गए, हाँ यही था वो एरिया, में पहले भी आया तो हूँ, खैर तो वहीं आ गए वाटर फाउंटेन शो पे। और बाहर गर्मी भी तो ठीक ठाक है यार, वो अंदर मॉल में अच्छी हो रही थी। ये आ गए भाई, यहाँ लोग अपना आराम से कूल फ़ोटो वोटो खिंचवाते रहते हैं और रील बनाते रहते हैं। ये आ गया बुर्ज खलीफा, ये देख लो भैया, यार देखने को पूरी दुनिया दुबई आवे बुर्ज खलीफा है। अब हम यहाँ आए हैं तो व्लॉग तो करना ही था ना भाई, व्लॉगिंग तो करनी थी, क्या करते हैं, तो बस वही व्लॉगिंग कर रहे हैं। अभी किसी से रिक्वेस्ट करूँगा, ये भाई 2 फोटो खींच रहे हैं, मैंने भाई एक फ़ोटो मेरी खींच देखो तगड़ी सी, रिक्वेस्ट करूँगा भाई से अगर शायद खींच दे तो। बाकी बिल्डिंग के अलावा कुछ है ही ना, एप्पल का स्टोर बोरा ऊपर, मेरा बुर्ज खलीफा भाई। यहाँ बीच में सेंटर पॉइंट बनाया हुआ है, किसी को फोटोग्राफ खिंचवानी है तो यहीं सारे लोग खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचवाते रहते हैं भाई, दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और शायद अभी वो फाउंटेन शो शुरू होने वाला है, पता नहीं अब उसको कितना समय है फाउंटेन शो सुने होने वाला, मुझे नहीं पता है क्योंकि 8:12 हो चुके हैं, हो सकता है शायद मैं लेट हो गया हूँ, आई डोंट नो, हो सकता है टाइम पर हूँ, पता नहीं अभी कितने में शुरू होने वाला है फाउंटेन शो।
लोग यहीं आ जाते हैं सेंटर में और फोटो खिंचवाते हैं भाई फोटो जो मतलब पूरी दुनिया आपको देखोगे तो जिसकी दुबई की फोटोग्राफ्स होंगी वो यहाँ या तो यहाँ पे होंगी या फिर वहाँ कहीं आसपास खड़ी होगी क्योंकि यहाँ से सही से दिखता है एग्जैक्ट जो दिखता है ना सबसे बढ़िया वो यहीं से दिखता है। शायद अभी थोड़ी बहुत देर में फाउंटेन शो शुरू होने वाला है इसलिए लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं फाउंटेन शो का। भाई अभी फाउंटेन शो शुरू होएगा तो आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखो नीचे फोटोग्राफी कर रहे हैं लोग ज़बरदस्त। गर्मी बहुत तगड़ी हो रही है ज़बरदस्त। मॉल से बाहर निकलती उमस उमस हो गई, मुझे नहीं पता था कि इतनी तगड़ी उमस हो जाएगी। बाहर निकलती बहुत ज़्यादा उमस हो गई। तो भाई ये शो शुरू हो गया है, ये देखो ये उन्होंने शुरू कर दिया है शो। ऐसे शो वो चलाते रहते हैं तो इसी को देखने के लिए स्पेशली लोग दुबई आते हैं। फोटोग्राफ दुबई बुर्ज खलीफा को पकड़ के फोटोग्राफ चल रही है। नाव में भी घूम रहे नीचे, नाव के अलग पैसे हैं शायद, मेरे साथ 50 दिरहम है नाव में घूमने वाले, 50 या 100 दिरहम है, नहीं 50 दिरहम ही है शायद। ये देखो भाई वहाँ से लोग फोटोग्राफ भी खींच रहे हैं, देखो दिख रहे हैं आपको, देखो ये लाइटें जल रही हैं, ये चक 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 हो रही है, लोग फोटोग्राफ खींच रहे हैं भाई। जितने लोग फोटोग्राफ खींचते हैं वो लाइटें जलती रहती हैं। ये सामने होटल है भाई प्रॉपर, और इस होटल का व्यू, लोग इस होटल में रहते हैं इसलिए कि इसका व्यू लेते रहे बार बार। बट ये जो आप देख रहे हो ना बुर्ज खलीफा, ये आपको बहुत सुंदर लग रहा है बस रात में, दिन में अगर आप आ जाओ तो समझ में नहीं आएगी, बिल्डिंग खड़ी है शीशे की बस, और बड़े पागल से हो जाते हैं भाई दोपहरी में। तो इतनी गर्मी है मेरे से खड़ा हुआ नहीं हुआ जा रहा अभी, और अब अंदर मॉल में जा रहा हूँ मैं तो, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, इतनी गर्मी में कौन खड़ा होएगा। देख लिया भाई बुर्ज खलीफा दिखा दिया आपको, मैं तो कोई कितनी बार देखा है मुझे खुद याद ना पर ठीक है, एक चीज़ थी कि भाई यहाँ यहाँ आके बुर्ज खलीफा देखना था, बुर्ज खलीफा दिखा दिया आप, देखो शो भी चलते हुए दिखा दिए। तो बस अभी मॉल में चलते हैं भैया, इतनी जैसे ही मॉल के नज़दीक आ ना ऐसी ठंडा गाड़ी शुरू हो जा भाई, अंदर ही ठीक है भाई, बुर्ज खलीफा को बाहर तो क्या देखूं, देख लो भाई इतनी भीड़ है, इतनी जनता है देखो भाई कितनी भीड़ है। तो शायद मेरे हिसाब से फाउंटेन शो शुरू होने वाला है, मुझे लगा फाउंटेन शो शुरू होने वाला है। जरा गेट से आगे आ जाओ भाई, तो शुरू होने वाला है शायद मे भी। देखते हैं फाउंटेन शो शुरू हो जाए तो कर दे भाई शुरू।
तो भाई ये था फाउंटेन शो जो कि अब ख़त्म हो चुका है। ये टोटल होता है 2 मिनट के लिए फाउंटेन शो चलाते हैं, बस हर आधे घंटे में 2 मिनट के लिए ये फाउंटेन शो चलाते हैं। अब हो रही है गर्मी और अब चलते हैं वापस, चलो जी अंदर मॉल की तरफ। बाहर की गर्मी से परेशान हो चुके हैं भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। तो आपको आज बुर्ज खलीफा और उसका फाउंटेन शो और दुबई मॉल तो खैर बहुत ही बड़ा है, क्या ही बोलूं कितना बड़ा है दुबई मॉल तो। और शॉपिंग का इरादा हो, शॉपिंग करनी हो तो सारे ब्रांड है भाई, दुनिया कोई ऐसा ब्रांड ना जो यहाँ ना हो। प्रीमियम से लेके छोटे से लेके बड़े से लेके सारे ब्रांड है, टोटल ब्रांड है यहाँ दुबई मॉल में। अभी चल रहे हैं तो अभी फ़ोन आया भाई का, उसके पास चल रहे हैं। अभी शाम को कहाँ कहाँ जाएंगे पता नहीं, कुछ देखते हैं लस्सी कहाँ कहाँ घूमाए क्या क्या हो जाए। चलो जी पूरी दुनिया बस वो देख के और वापसी, पूरी दुनिया देख के वापसी आ चुकी है। ये हाँ यहाँ से पूरा व्यू दिखता है आपका, सामने पूरा दुबई है, आपको वही व्यू दिखाने के लिए लिखा है बस यही व्यू पे खड़े होकर ऐसे वीडियो बनाएंगे। हाँ ऐसे खड़े होके वैसे वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये जो व्यू आएगा ना इसका मैं बोला इतना अल्टीमेट है ना, बहुत मस्त वाला है। तो ये वीडियो बनाएंगे है ना, जबरदस्त औसम औसम फर्स्ट क्लास, दोनों भाई 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 वीडियो बनाएंगे, दोनों ये वीडियो बनाएंगे। बस ये बहुत हो गया भाई का सिर, कितनी बात है कॉल लिया आज हम आ गए आज क्रीक क्रीक। अच्छा यहाँ से पूरा भी दिखूंगा आपको उसका दुबई का। तो भाई अब ऐसी के ले आया भाई, हमारे नागर भाई ऐसी के ले आया जहाँ तो पूरी दुबई का व्यू दिखाएगा आज। चलते हैं भैया पूरी दुबई का व्यू देखना आज। अच्छा यहाँ से दिखेगा, यहाँ ये पूरा ग्लास का ब्रिज है पूरा। अच्छा पूरा ब्रिज ग्लास का है, ओ भाई साहब यू चीज सही यार। अभी ये है यहाँ पता प्रॉब्लम क्या, गाड़ी की पार्किंग नहीं, गाड़ी ऐसे छोड़कानी पड़ी। हाँ गाड़ी की पार्किंग में है, यहाँ सिर्फ रेजिडेंस के लिए पार्किंग है ना भाई। स्टारबक्स ऐसे है यहाँ पार्किंग ना, ये सामने गाड़ी खड़ी है तो स्टारबक्स तो नहीं शायद उन्होंने खड़ी वो खड़ी अपनी गाड़ी खड़ी तो होगी ये खड़ी जी वैगन ही खड़ी कर दिया ना। ठीक है अच्छा ये पूरा ग्लास का ब्रिज बना रखा है। बुर्ज खलीफा दिखेगा ओ ब्रो हाँ दिख गया ऐसा ना उसके पहले अभी वो जब उसमें वो लाइटिंग जलाएगी तो और अलग दिखेगा, उसकी हर आधे घंटे पर लाइट शो है ना। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी 10:14 हुए 15 मिनट बाद भाई साहब। ये है पूरा दुबई देख लो, ये ऐसी जगह है पूरा सामने पूरा दुबई। अच्छा तो नागर भाई ऐसी जगह लाए हैं मस्त एकदम दिखाने के लिए यार, बड़े लाइब्रेरी है जो बुक टाइप की। हाँ हाँ वो बुक टाइप की ये लाइब्रेरी है भाई, दिन में अलग नजर आता है दिल में भाई अलग है, पर दिन में धूप भी तो बहुत हो। वो शो शुरू होगा बुर्ज खलीफा वाला, लाइट जली थी एक बार। हाँ स्क्रीन ये क्यों चाहो तो स्क्रीन ना नहीं नहीं उसकी उस साइड की भी रेजिडेंसी है ना इसमें। कितने को इसकी टिकट मुझे क्या पता, 50 दिरहम की, 50 दिरहम ओनली 50 दिरहम। हाँ 50 दिरहम इसमें आपका डिनर है ब्रेक मतलब वही सब कुछ मील है म्यूजिक है पूरा लेक व्यू है पूरा क्रीक पूरा आपका क्रीक जाएगी उधर बीच में डाउन टाउन तक जाएगी। तो ये शुरू कहाँ से होती है, शुरू होती है जद्दाफ से उस साइड से।
क्या कर लेते आज यार, क्या कर लेते बढ़िया रहते हैं। वहां से निकलती हुई साइड आती है और भी बहुत सारी बोट्स हैं, वो मरीना में होती है। तो भाई ऐसा था आज का दिन और अभी बैठे हैं, कितनी देखो ऐसा लगता है टावर पे बैठे। कौन सा टावर भाई, मलेशिया वाले? ये है नहीं, मलेशिया वाले दो टावर ना ऐसे बीच में लोग फोटो खिंचवा में। अच्छा वो कौन सा टावर बोले उन्हें, मलेशिया के दो टावर भी तो हैं ऐसे ही। तो भाई हाँ कुआलालंपुर वाले, तो ऐसी जगह आके बैठे हैं। देखो अब शानदार जगह है भाई, देखो मेरे पीछे दिख रहा व्यू। ये है कौन सा जगह भाई नागर साहब? हार्बर क्रीक, दुबई हार्बर क्रीक, क्रीक हार्बर आके बैठे हैं भैया। बढ़िया, अब मौसम भी अच्छा हो रहा है, थोड़ा गर्मी कम है ना। क्यों बीच से थोड़ा अलग है ना, पर है तो यही बीच ही। पर इतनी गर्मी हवा चल रही है। वैसे भी यार 11 बज रखे तो टाइम तो 11 बज गया अब, हाँ थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो गया। तो आप कहाँ जाते हो भैया, आप कहाँ चलेंगे अभी? आप बताओ कहाँ चलना है, हम तो मेले है नाइट में, तो नाइट के राजा आपका। तो देख भाई थक गए कल भाई यार, कल पता है थक गया था, सैटरडे काम किया नाइट भाई, पूरी रात घुमा दिया भाई ने, मजे लिए नागर साहब पूरी रात ही घुमाया आज तो भाई। देख मुझे आ रही नींद, तो नींद आएगी दो बजे, मेरी आँख लग चुकी गाड़ी चला कर, क्योंकि भाई ऑफिस आया था उसके बाद भाई नींद लगने लगी है। अब भाई गाड़ी चला रहे हैं, भाई गाड़ी चला रहे हैं और हमने सुबह काम भी करना है, और भाई ने सुबह काम भी करना है। देख भाई जब भी गाड़ी चला रहे पता है भाई, मैंने भाई लैग ठीक है किसकी लैग मारी था ना, ये अब इसकी लैग भाई खुद की लैग मारी थी एक्सरसाइज में, वो लैग ने अपनी लैग की मारी, अपनी लैग जिम में, जिम में अपनी लैग की मारी इसने। तो बस भाई, तो भाई बढ़िया जगह घुमा के लाए भाई, रोज ले जाते हैं बैठा के, अब ले जा चलो जी घूमने चल रहे हैं भाई, घुमा लाते हैं कहीं ना कहीं अच्छी जगह दिखा लाते हैं। और अब टाइम हो रहा है सोने का, तो अभी जा रहे हैं होटल और होटल जाके सोते हैं भाई। अपना होटल वो सामने आ ही गया, उससे पहले है। तू उधर चलोगे यहीं उतारोगे? कोई नहीं, फिर तू यहीं उतार दो, कोई इशू नहीं है, बस अपना होटल आ ही गया सामने तो है अभी, हमें लगे पड़े हैं। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, रेस्ट करो भाई, रेस्ट जरूरी है, बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। हाँ यहाँ रश कैसे, इतना रश तो होता नहीं भाई, भाई कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो भाई देखिए ये मूड का माल है, कभी रश हो जाता है कभी आपको कुछ भी नहीं मिलता। आ गया होटल पर, बस साइड से उतार दो भाई को, अंदर उतारें तुम्हारे हो गए खुल के, जवानी तो नहीं होती भाई। वो थार भी खड़ी आज, तो थार भी बिक रही हो रेंगलर है, अरे थार है भाई। तो भाई आ गया होटल और भाइयों को कहते हैं विदा, आज का व्लॉग करते ही एंड है भाई। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा भाई आज व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, अगले व्लॉग तक के लिए राम राम जी।